प्रोग्राम दे नाल मैं हां मुहम्मद उसामा हैदर। नाज़रीन पंजाब दे दीगर शहर अंदर पखर च वी पंजाब दा कल्चर डे इंतहाई जोश जज्बे नाल मनाया गया। इस हवाले दे नाल मरकजी तकरीब मॉडल हाई स्कूल पखर दे विच मुनक्किद की गई, जिहदे विच डिप्टी कमिश्नर पखर इमरान हामिद, डीपीओ पखर अली रजा साहब ते दीगर मौजूदगी ने इलाके ने कसीर तादाद शिरकत की, जिहदे विच तालिबान ने खास तौर करके इंतहाई आला पैमाने ते प्रोग्राम पेश कीते। मजीद इस हवाले नाल जानदे हां इस रिपोर्ट विच। सुबह पंजाब के दीगर इजला की तरह बखर में भी पंजाब कल्चर डे के हवाले से रंगारंग तकारीब का इनेकाद किया गया। मरकजी तकरीब गवर्नमेंट बॉयज मॉडल हाई स्कूल बखर में मुनाकिद की गई, जिसमें डिप्टी कमिश्नर बखर इमरान हामिद, डीपीओ सैयद अली रजा, एडीसीजी अब्बास रजा नासिर, डीईओ एलिमेंट्री मोहम्मद सलीम चौहान, सदर अंजुमन ताजरान राना मोहम्मद अशरफ, चेयरमैन सीपीएलसी शेख मोहम्मद अयूब, असाजा शोरा कराम, मकामी गुलकार, सरकारी अफसरान और तलबा समेत मीडिया नुमाइंदगान की कसीर तादाद भी मौजूद थी। इस मौके पर मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा और तालिबात ने टैबलोज और रक्स और झूमर पेश किए, जिन्होंने तमाम हाजरीन को झूमने पर मजबूर कर दिया। तकरीब से खिताब में डिप्टी कमिश्नर बखर इमरान हामिद, डीपीओ बखर सैयद अली रजा और मुख्तलिफ मुकर्ररीन ने कहा कि बिला शुबा ये खूबसूरत इवेंट जिले इंतजामिया की काविशों का नतीजा है, जिसको जितना भी सराहा जाए वो कम है। कल्चर जो है वो बेसिकली किसी भी कौम का और किसी भी इलाके की पहचान होती है, और इसमें पंजाब गवर्नमेंट ने बड़ा बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है और इससे कल्चर की दोबारा रिवाइविंग हो रही है, और ये बल्कि कॉन्टीन्यूसली पर मंथ और पर सिक्स मंथ्स होना चाहिए, इस तरह के फंक्शन होने चाहिए। और इसमें डीसी साहब ने जो आज फंक्शन किया, इसके लिए मैं इनको स्पेशल मुबारकबाद पेश करता हूँ। डिप्टी कमिश्नर बखर सर इमरान ने बहुत अच्छा फंक्शन किया है, इसमें तमाम किस्म के कल्चर के रंग मौजूद थे, इसमें सिंगिंग थी, इसमें शायरी थी, इसमें टैबलोज थे, तो मैं इनको और इनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये कंटिन्यू रहने चाहिए ताकि हमारा कल्चर जिंदा रहे। जी मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि हमारे डीसी साहब ने बहुत अच्छा फंक्शन किया और उसमें कल्चर को नुमाया किया। यकीनन ये इनिशिएटिव पंजाब गवर्नमेंट का है, लेकिन जिस तरह हमने इधर देखा है कि आज आपने देखा है, शायरी भी लोकल सुनी हमने, हमने सॉन्ग्स भी सुने, हमने टैबलोज भी देखे, हमने झूमर भी देखी, तो ये एक कल्चर रिवाइव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कल्चर जब रिवाइव होता है तो उसके अंदर बहुत सारी खूबसूरतियाँ मौजूद होती हैं और वही पहचान होती है इलाके की, उससे फिर लोग जो हैं वो और तरह से यूनाइट होना शुरू हो जाते हैं, जो कि हमारे मुल्क को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो कल्चर की रिवाइव होने का मैं तो बड़ा खुश हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसको हमें कॉन्टीन्यूस बेसिस पर करें। जनाब ताडे इलम विच अज असी पंजाब कल्चर डे मना रहे हैं, तो साड़ी पूरे पंजाब अलहमदुल्ला हुकूमत पंजाब की हिदायत भी सी, साड़ी जिम्मेदारी भी है चीफ मिनिस्टर साहब की, चीफ सैकटरी साहब की तरफों भी हिदायत आई सी असी कल्चर डे सिर्फ, लेकिन गल है वे कि मेरा जो पैगाम है आज के दिन के हवाले नाल है वे कि कल्चर डे सिर्फ एक दिन नहीं होना चाहिए, बल्कि साडा जिहड़ा कल्चर है वो सारा साल चलेगा, और वह कल्चर है इंसानियत का कल्चर, वह कल्चर है प्यार मुहब्बत का कल्चर, तो असी दूजा नू लोगों नू सारिया नू प्यार मुहब्बत देंगे, इज्जत देंगे, अज असी कमिटमेंट करिए, अपने नाल वादा करिए कि जिहड़ा साडा साडे जिहड़े रिश्तेदार ने, साडे जिहड़े गुआंढी ने, साडे जिहड़े आस पास रहने वाले लोग ने, असी उन्हां दा ख्याल करांगे ते एक दूजे नू इज्जत एहतराम देंगे, तो इंशाल्लाह ताला मुल्क नू खूबसूरत तो खूबसूरत तरीन, हसीन तो हसीन तरीन बनावांगे। आज का जो प्रोग्राम हुआ है, मैं डिप्टी कमिश्नर साहब को, उनकी टीम को, डीपीओ साहब को और असाजा को और बच्चों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। जैसा कि हमारे हर दल अजीज डिप्टी कमिश्नर साहब ने ये फरमाया है कि ये इंशाल्लाह सारा साल जारी रहेगा,
तो मैं एक मरतबा फिर इनका शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये सारा साल इंशाल्लाह जारी रहेगा और हम भी इनके शाना बशाना हर मोड़ पर हर वक्त रहेंगे। और दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला जिस तरह ही हमारे इंतजामिया डी पी ओ साहब डी सी ओ साहब अच्छे तरीके से कार्य हायस्त अंजाम दे रहे हैं, अल्लाह ताला इनकी हिफाजत भी फरमाए और इस मुल्क की हिफाजत फरमाए, आलम इस्लाम की हिफाजत फरमाए और इनके कार्य खैर में अल्लाह ताला मजीद तरक्कियां दे। तकरीब में खूबसूरत टैबलोस पेश करने वाले बच्चों को सदर अंजुमन ताजरान राना मोहम्मद अशरफ ने 20,000 रुपए नकद, जबकि चेयरमैन सीपीएलसी शेख मोहम्मद अयूब ने भी बच्चों की हौसला अफजाई के लिए नकद इनाम दिया। तकरीब के इख्तिताम पर डिप्टी कमिश्नर भक्कर इमरान हामिद शेख की क्यादत में वाक का इनेकाद भी किया गया। पंजाब कल्चर डे जहां में पंजाब की सकाफत से रोशनास कराता है, वहीं जरूरी है कि इस अमल को सिर्फ 14 मार्च तक मंसूब न किया जाए बल्कि इसको अपनी अमली जिंदगी में भी अपनाना चाहिए। साथी कैमरामैन वसीम अशरफ, साथी रिपोर्टर अवैस कमर गादी, कैमरा मोहम्मद उसामा हैदर, सवाल नामा नेटवर्क, बखर। सवाल नामा नेटवर्क, सवाल से जवाब तक।